आज हम आपको बताते हैं कि विलोपन विधि से कैसे दो समीकरण को हल करते हैं। विलोपन का मतलब होता है दो चर पद दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक चर पद को विलुप्त कर देना। और अगर आप देखेंगे, जैसे ये सवाल है x प्लस वाई बराबर फाइव, आगे दिया गया है दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4। इसे हम ले लेते हैं समीकरण एक, ये समीकरण नंबर दो। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें एक मतलब चरपद को विलुप्त करना है तो देखते हैं दोनों समीकरण में कौन सा चरपद समान है। जब दोनों समीकरण में एक भी चरपद नहीं समान है तो उसको हम क्या करते हैं, समान करते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर फाइव है और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ना x का मान मिल रहा है ना y का मान, तब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, चलिए अगर हम समीकरण नंबर एक में दो से गुणा करा दे दोनों पक्षों में, दो से दोनों पक्षों में गुणा करा देते हैं तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, y के पदों में निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में दो से दोनों पक्षों में दो से दोनों पक्षों में गुणा करने पर यह हुआ। अब आपका समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, फाइव है। अब दो से दोनों पक्षों में गुणा करना है, पाँच में भी दो से गुणा कर देंगे, x प्लस वाई में भी दो से गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा 2x और दो का गुणा y में करेंगे 2y बराबर हो जाएगा 5 × 2 = 10। ये समीकरण नंबर हमारा क्या बन गया, 3 बन गया। अब आप देखिए समीकरण दो और तीन में x का मान क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, चिन्ह देखते हैं। जो संख्या है हमारी 2x, उसमें भी 2x है तो दोनों क्या है, धनात्मक है। अगर दोनों का चिन्ह समान होता है तो घटाएंगे, दोनों का चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है तो जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान है इसीलिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण तीन में से दो को घटाने पर समीकरण हमारा दो तीन क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। और समीकरण दो क्या है हमारा, 2x माइनस 3y बराबर 4। घटाने पर तो यहाँ माइनस लगा है तो प्लस लेंगे, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। अब 3 × 2 = 5y, अब ये घटेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपको पता है कि 5y बराबर 6 आ गया, 5y बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि 5y बराबर 6 है, 5y बराबर 6 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5y बराबर 6 है तो y बराबर हो जाएगा 6/5। अब आपको y का मान पता चल गया, जब y का मान पता चल गया, y का मान समीकरण एक या दो में रख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं y का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, y का मान आया है 6/5, तो x प्लस वाई का मान रख देंगे 6/5 बराबर 5। तो x 6/5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 5 − 6/5 एलसीएम लेते हैं तो हमारा आता है 5 × 5 = 25, माइनस 6 घटा देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25 में 6 जाएगा तो कितना आएगा, 19/5। यह हमारा x और y का मान निकल करके आ गया, क्या x का मान आया 19/5 और y का मान 6/5 आया। ये होती है विलोपन विधि। आपको अगर समझ में आया दोस्तों तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।